जाएगा गणगौर, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और था राजस्थान में गणगौर का त्यौहार, गणगौर के त्यौहार पर गणगौर पूजी जाती है, शक्करपारे बनाए जाते हैं, गोने बनाए जाते हैं जो कि माता जी को चढ़ाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोने की रेसिपी और गणगौर का त्यौहार का पूरा व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है और जो मेजरमेंट मैं ले रही हूँ उस मेजरमेंट से आप भी बनाओगे तो आपके जो शक्कर पारे और गोने बनेंगे वो भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले मैं आटे को छान रही हूँ और उसके बाद हम इससे मिलाएंगे करीब 2 चम्मच बेसन। अगर आप मैदे से बनाओ तो आपको बेसन डालने की जरूरत नहीं, पर मैं गेहूँ के आटे का यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसमें 2 चम्मच में बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने गेहूँ के आटे से बनाए हैं या फिर मैदे से बनाए हैं। मैंने यहाँ 2 कटोरी आटा लिया है, उस हिसाब से मैं आधी कटोरी इसमें चीनी ले रही हूँ। थोड़ा आपको अगर कम मीठा लगता तो 1-2 चम्मच और आप बढ़ा सकते हो, बस 1-2 चम्मच की बढ़ाए इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ मैं 3 चम्मच सूजी डाल रही हूँ और इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि हमारी चीनी बहुत अच्छे से पीसने में आ जाएगी और सूजी का जो कॉम्बिनेशन होगा आटे के साथ इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे गोने में, शक्करपारे में। और हाँ, टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल रही हूँ। सौंफ डालने से सचमुच इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इनको हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब पीसी हुई चीनी को हम इस आटे में डाल देंगे और इनको भी अच्छे से हम मिला देंगे, पूरे एकसार कर लेना अच्छे से मिला के। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए घी, आप चाहो तो इसमें तेल भी डाल सकते हो, मैंने इसमें घी डाला है। शुरू शुरू मैंने 4-5 चम्मच घी के डाले थे और फिर उनको अच्छे से मिला लेते, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा था, 2-3 चम्मच मैंने इसमें घी और डाला है ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। सिर्फ 2 चम्मच घी और डाला है और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे और उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से पानी से हम उनको गूंथ लेंगे। इसका जो आटा लगेगा थोड़ा टाइट ही लगता है, ये देखिए इस तरह से मिलाना है कि इसकी गुठी बन जाए, इस तरह से ये परफेक्ट अपना जो मोइन डाला है बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अगर आपकी मुट्ठी इस तरह से बन जाती है तो आप समझ जाइए कि आपका जो ऑयल गिरा या घी गिरा बहुत परफेक्ट गिरा है। बहुत थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका एक हमको टाइट डो लगाना है। ये देखिए हमारा आटा लग चुका है और अब हम इसको सेट होने के लिए 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसकी लोई बना लेंगे। मैंने जो आटा लिया है 2 कटोरी का, उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है क्योंकि मैं इसी के शक्कर पारे बनाऊंगी और इसके गोने बनाऊंगी। गोने का महत्व राजस्थान में गणगौर पे विशेष होता है क्योंकि ये ईसर गणगौर को चढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है, अगर आप कभी राजस्थान आओ तो इन दिनों आओगे तो यहाँ गणगौर की झांकी भी निकलती है। आटे की हमने 2 लोई कर ली थी और 1 लोई को अच्छे से मिला के लोई बना ली और हम इसको बेल लेंगे और बेलने के बाद अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप काट लेंगे, उन्हीं के बनाएंगे हम गोने और जो हमको मोटाई रखनी है उस हिसाब से हम इसको बेलेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अगर आपने एक बार बना लिया इस तरह से सौंफ वगैरह डाल के, बेसन डाल के और सूजी डाल के, तो आप दोबारा इसी तरह से बनाओगे। गोने की मोटाई जिस हिसाब से रखनी उस हिसाब से हम लोई को बेल रहे हैं, मतलब अच्छी रोटी बना ली हमने। अब इसकी स्ट्रिप काट लेंगे और आपको बताऊंगी मैंने कितनी मोटी रखी है एक स्ट्रिप को। ये देखिए सिर्फ 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने रोटी को बेला है और स्ट्रिप इस तरह से लेके उंगली की सहायता से इस तरह से गोल राउंड में इसको चिपका देना है और आसपास के किनारे को भी थोड़ा सा हम पतला कर देंगे। और इस तरह से मैंने सारे गोने बना लिए, 16 गोने बनाते हैं, 16 गोने इससे गणगौर को चढ़ते हैं। तो ये 16 गोने बन चुके हैं, यहाँ मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और जब हम गोने तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो इसकी आँच को हम मीडियम रखेंगे और गोने को जो हमने तलना है या फ्राई करना है इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे तलने में 4-5 मिनट लगेंगे। और इस तरह से जो ये कलर आ गया है उस हिसाब से ही हमको तलना है, उतना ही तलना है। और ये हमारे गोने बनके तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इस तरह से हमने 16 गोने को तैयार कर लिया है, 16 गोने इसे गणगौर को चढ़ते हैं। ये एक परंपरा है जो शुरू से चलती आ रही है, लड़कियां जो कुंवारी गणगौर पूछती है उनके लिए 8 गोने बनाए जाते हैं जो कि कच्चे ही रखे जाते हैं, मतलब जैसे हमने ये आटा लगाया ना बस इसके 8 गोने बना के बस वैसे ही रख देंगे, उनको फ्राई नहीं करते हैं। ये दूसरी लोई है, इसको मैंने बेल लिया अच्छे से और अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको गोने हमारे बन चुके हैं और इनके बना रही हूँ मैं शक्कर पारे, जो इनका शेप दूंगी बिल्कुल स्क्वायर पीस में दूंगी और थोड़े छोटे छोटे काटूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैंने स्क्वायर पीस में इनको काट लिया है, आसपास के किनारे को काट लिया ताकि स्क्वायर पीस अच्छे से निकलने में आ जाए। फिर हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप कर लेंगे और उसके बाद आड़ी स्ट्रिप इस तरह से हम कर लेंगे। और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे इसमें सौंफ ज़रूर डालिए, सच में सौंफ डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गेहूं के आटे से जो बने हैं उसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। आप इस बार जो भी गोने बनाए शक्कर पारे बनाए तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाना, अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार इसी तरह से बनाओगे। हमने ये आड़ी स्ट्रिप भी काट ली है, अब हम इसको फ्राई करने के लिए
रख देंगे। इस तरह से हमें निकाल लेना है। फ्राई करने का तरीका यही है कि सबसे पहले इनको जहर में डालें, उसके बाद सीधे तेल में डाल देंगे। जहर में डालने से क्या तेल उछलेगा नहीं, तो मैंने पहले भी जो कोने डाले थे इस तरह से जहर में डाल दिए थे। ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। अगर कोई बिगिनर है जिनको तलने में दिक्कत आती है तो वो इस तरह से जहर में डाल ले और फिर डाल दे, धीरे से डाले उनको ताकि तेल उछले ना। और इनको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमको तलना है। तेल अच्छा गर्म कर लेना है, उसके बाद हम इसको जब डालेंगे तो गैस की आंच को मीडियम कर लेना है और फिर थोड़ी देर बाद इसको लो करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। इनको तलने में भी 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि आपके जो शक्करपारे होंगे इनकी सिकाई बहुत अच्छी होगी और 4 से 5 मिनट में ही हमारे अच्छे से तल के तैयार होगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया इनका। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं अक्सर इस तरह से ही शक्करपारे को बनाना पसंद करती हूँ। और भी कई रेसिपी जो से आपको आगे शेयर करूँगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है और ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लेटेस्ट हो जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो नए वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये देखिए हमारे सारे गोने भी तल चुके हैं और ये शक्करपारे भी बनके तैयार हो चुके हैं। वैसे तो जब शीतलाष्टमी होती है तभी गोने बना के रख दिए जाते हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने गोने गंगौर के एक दिन पहले इनको बनाया है। ये देखिए इस तरह से हमारे गोने ही बन चुके हैं और आपको मैं बताती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए गोने को मैं तो आपको इस तरह तोड़ के दिखा नहीं सकती, तो मैं शक्कर पारे बता रही हूँ। मतलब ये इतने सॉफ्ट हैं कि बूढ़ा व्यक्ति भी आराम से खा ले, मतलब वो भी इन चीज़ों का जायका ले सकता है। ये देखिए हमारे दोनों गोने और शक्कर पारे बन के तैयार हो चुके हैं और इनकी तैयार कर हमने खाना बनाया और फिर लगाई रात को मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद सुबह हमने तैयारी करी गंगौर पूजने की। एक हाथ में मेहंदी मैंने खुद ने लगाई और एक हाथ में मेरी बेटी ने लगाई है, तो इस तरह से मेरे दोनों हाथ अच्छे भर गए। और दोनों हाथों में मेहंदी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर एक जैसी लगाती हूँ पर अब मुझसे लगती नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई बेटी को भी थोड़ा सा हाथ साफ करना, तो बोले मम्मी मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगा ली है। और इस सुबह जब हम पूजा करने के लिए गए तो सारी थाली को इस तरह से सजा दिया है और खुद भी तैयार होकर गंगौर पूजने के लिए मैं जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाना था मुझे, मेरे काके ससुर के घर में जाना था जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो बस इस घर से उस घर में जाना था। तो इधर से बस निकल के इस घर से निकल के उस घर की ओर मैं जा रही हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद गंगौर की सारी तैयारी हो रखी थी और हमने सबने गंगौर पूजी। गंगौर हरे धूप से पूजी जाती है, जो धूप होती है घास उनसे पूजी जाती है। और सारे बैठे हुए सब गीत चलते हैं, गीत मंगल गीत चलते हैं और इससे गंगौर के बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं। आपको राजस्थान के गंगौर के गीत यूट्यूब पर अच्छे से मिल जाएंगे। हाँ MP में भी गंगौर बनाते हैं पर वहाँ के गीत थोड़े से अलग होते हैं और इसमें पैर बनाकर गंगौर पूजाती हैं। जैसे मेरे साथ जो मेरी देरानी बैठी है उसका मैंने पैर बनाया, मेरी बेटी ने उसकी बेटी के साथ बनाया, या मेरे चाचा के साथ मेरी उनकी ननद के साथ बनाया, उधर मेरी दोनों देरानी ने आपस में पैर बना के गंगौर को पूजा है। देखिए एक दूसरे की उंगली में उंगली डाल के इस तरह से हरी घास से पूज रहे हैं। और जब गंगौर पूज ली तो सबने मिलकर रील्स बनाई और खूब डांस वगैरह किया, बहुत ही अच्छा लगा। त्यौहार और घर की लेडीज इकट्ठी और डांस नहीं तो हो ही नहीं सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको रेसिपी ब्लॉग दोनों बहुत पसंद आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते वही थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।